ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। कहानी का शीर्षक कवि और कविता। राजमहल के सामने भीड़ लगी हुई थी। एक नवयुवक सन्यासी बीन पर प्रेम राग लाप रहा था। उसका मधुर स्वर गूंज रहा था। उसके मुख पर दया और सहृदयता के भाव प्रकट हो रहे थे। स्वर के उतार चढ़ाव और बीन की झनकार दोनों ने मिलकर बहुत ही आनंदप्रद स्थिति उत्पन्न कर रखी थी। दर्शक झूम झूम कर आनंद प्राप्त कर रहे थे। गाना समाप्त हुआ, दर्शक चौंक उठे, रुपए पैसे की वर्षा होने लगी, एक एक करके भीड़ छटने लगी। नवयुवक सन्यासी ने सामने पड़े हुए रुपए पैसों को बड़े ध्यान से देखा और आप ही आप मुस्कुरा दिया। उसने बिखरी हुई दौलत को एकत्रित किया और फिर उसे ठोकर मारकर बिखरा दिया। इसके पश्चात बीन उठाकर एक और चल दिया। राजकुमारी माया ने भी उस नवयुवक सन्यासी का गाना सुना था। दर्शक प्रतिदिन वहां आते और सन्यासी को ना पाकर निराश हो वापस चले जाते थे। राजकुमारी माया भी प्रतिदिन राजमहल के सामने देखती और घंटों देखती रहती। जब रात्रि का अंधकार सर्वत्र अपना आधिपत्य जमा लेता तो राजकुमारी खिड़की में से उठती। उठने से पहले वे सर्वदा एक निराशाजनक करुणा में आह खींचा करती थी। इसी प्रकार दिन, हफ्ते और महीने बीत गए, वर्ष समाप्त हो गया, परंतु युवक सन्यासी फिर दिखाई न दिया। जो व्यक्ति उसकी खोज में आया करते थे, धीरे धीरे उन्होंने वहां आना छोड़ दिया। वे उस घटना को भूल गए, किंतु राजकुमारी माया उस युवक सन्यासी को हृदय से ना भुला सकी। उसकी आंखों में हर समय उसका चित्र फिरता। होते होते उसने भी गाने का अभ्यास किया। वे प्रतिदिन अपने उद्यान में जाती और गाने का अभ्यास करती। जिस समय रात्रि की नीरवता में सोहनी की लय गूंजती तो सुनने वाले ज्ञान शून्य हो जाते। राजकवि अनंग शेखर युवक था। उसकी कविता प्रभावशाली और जोरदार होती थी। जिस समय वह दरबार में अपनी कविता गायन के साथ पढ़कर सुनाता तो सुनने वालों पर मादकता की लहर दौड़ जाती। शून्यता का राज्य हर ओर होता। राजकुमारी माया को कविता से प्रेम था। संभवतः वह भी अनंग शेखर की कविता सुनने के लिए विशेषतः दरबार में आ जाती थी। राजकुमारी की उपस्थिति में अनंग शेखर की जुबान लड़खड़ा जाती। वह ज्ञान शून्य सा खोया खोया हो जाता, किंतु इसके साथ ही उसकी भावनाएं जागृत हो जाती। वह झूम झूम कर और उदाहरणों को सम्मुख रखता, सुनने वाले अनुरक्त हो जाते। राजकुमारी के हृदय में भी प्रेम की नदी तरंगे लेने लगती। उसको अनंग शेखर से कुछ प्रेम अनुभव होता, किंतु तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती और युवक सन्यासी का चित्र उसके सामने फिरने लगता। ऐसे मौके पर उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते। अनंग शेखर आंसू भरे नेत्रों पर दृष्टि डालता तो स्वयं भी आंसुओं के प्रवाह में बहने लगता। उस समय वह शस्त्र डाल देता और अपनी जुबान से आप ही कहता, मैं अपनी पराजय मान चुका। कवि अपनी धुन में मस्त था। चहुं ओर प्रसन्नता और आनंद दृष्टिगोचर होता था। वह अपने विचारों में इतना मग्न था जैसे प्रकृति के आंचल में रंग रलियां मना रहे हों। सहसा वह चौंक पड़ा। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चहुं ओर दृष्टि डाली और फिर एक उसांस ली। सामने कागज पड़ा था, उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। रात्रि का अंधकार फैलता जा रहा था। वे वापस हुआ। राजमहल समीप था और उससे मिला हुआ उद्यान था। अनंग शेखर बेकाबू हो गया। राजकुमारी की खोज उसको बरबस उद्यान के अंदर ले गई। चंद्रमा की किरणें जल स्रोत की लहरों से अटखेलियां कर रही थी। प्रत्येक दिशा में जूही और मालती की गंध प्रसारित थी। कवि आनंदप्रद दृश्य को देखने में तल्लीन हो गया। भय और शंका ने उसे आ दबाया। वह आगे कदम ना उठा सका। समीप ही एक घना वृक्ष था। उसकी छाया में खड़े होकर वह उद्यान के बाहर का आनंद प्राप्त करने लगा। इसी बीच में वायु का एक मधुर झोंका आया। उसने अपने शरीर में एक कंपन अनुभव किया। इसके बाद उद्यान में से एक मधुर स्वर गूंजा। कोई गा रहा था। वह अपने आपे में न था, कुछ खो सा गया।
मालूम नहीं स्थिति में वह कितनी देर खड़ा रहा। जिस समय वह होश में आया तो देखा कोई पास खड़ा है। वह चौंक उठा। उसके सामने राजकुमारी माया खड़ी थी। अनंग शेखर का सिर नीचा हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए होठों से पूछा, अनंग शेखर, तुम यहां क्यों आए? कवि ने सिर उठाया, फिर कुछ लज्जाते हुए राजकुमारी की ओर देखा, फिर से मुख से कुछ ना कहा। राजकुमारी ने फिर पूछा, तुम यहां क्यों आए? इस बार कवि ने साहस से काम लिया। हाथ में जो पत्र था वह राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने कविता पढ़ी। उस कविता को अपने पास रखना चाहा, किंतु वह छूट कर हाथ से गिर गई। राजकुमारी तीर की भांति वहां से चली गई। अब कवि से सहन न हो सका। वह ज्ञान शून्य होकर चिल्ला उठा, माया माया। परंतु अब माया कहां थी? राज दरबार में एक युवक आया। दरबारी चिल्ला उठे, अरे ये तो वही सन्यासी है जो उस दिन राजमहल के सामने गा रहा था। राजा ने मालूम किया ये युवक कौन है। युवक ने उत्तर दिया, महाशय मैं कवि हूं। राजकुमारी उस युवक को देखकर चौंक उठी। राजकवि ने भी उस युवक पर दृष्टि डाली, मुख फक हो गया। पास ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने कहा, वाह ये तो एक भिक्षुक है। राजकवि बोल उठा, नहीं उसका अपमान न करो, वह कवि है। चहुं ओर सन्नाटा छा गया। महाराज ने उस युवक से कहा, कोई अपनी कविता सुनाओ। युवक आगे बढ़ा, उसने राजकुमारी को और राजकुमारी ने उसको देखा। स्वाभिमान अनुभव करते हुए उसने कदम आगे बढ़ाए। राजकवि ने भी यह स्थिति देखी तो उसके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। युवक ने अपनी कविता सुनानी आरंभ की। प्रत्येक चरण पर वाह वाह की ध्वनियां गूंजने लगी। किसी ने ऐसी कविता आज तक न सुनी थी। युवक का मुख स्वाभिमान और प्रसन्नता से दमक उठा। वह मस्त हाथी की भांति झूमता हुआ आया और अपने स्थान पर बैठ गया। उसने एक बार फिर राजकुमारी की ओर देखा और इसके पश्चात राजकवि की ओर। महाराज ने राजकवि से कहा, तुम भी अपनी कविता सुनाओ। अनंग शेखर चेतना शून्य सा बैठा था। उसके मुख पर निराशा और असफलता की झलक प्रकट हो रही थी। महाराज फिर बोले, अनंग शेखर किस चिंता में निमग्न हो? क्या इस युवक कवि का उत्तर तुमसे नहीं बन पड़ेगा? यह अपमान कवि के लिए असहनीय था। उसकी आंखें रक्तिम हो गई। वे अपने स्थान से उठा और आगे बढ़ा। उस समय उसके कदम डगमगा रहे थे। आगे पहुंचकर वे रुका। हृदय खोलकर उसने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चहुं ओर शून्यता और ज्ञान शून्यता छा गई। श्रोता मूर्ति से बनकर रह गए। राजकवि मौन हो गया। एक बार उसने चहुं ओर दृष्टिपात भी किया। उस समय राजकुमारी का मुख पीला था। उस युवक का घमंड टूट चुका था। धीरे धीरे सब दरबारी नींद से चौंके। चहुं ओर से धन्य है कि ध्वनि गूंजी। महाराज ने राज सिंहासन से उठकर कवि को अपने हृदय से लगा लिया। कवि की ये अंतिम विजय थी। महाराज ने निवेदन किया, अनंग मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे दूंगा। राजकवि कुछ देर तक सोचता रहा। इसके बाद उसने कहा, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल राजकुमारी का इच्छुक हूं। ये सुनते ही राजकुमारी को गश आ गया। कवि ने फिर कहा, महाराज आपके कथनानुसार राजकुमारी मेरी हो चुकी, अब जो चाहूं कर सकता हूं। ये कहकर उसने युवक कवि को अपने समीप बुलाया और कहा, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य ये था कि राजकुमारी का प्रेम प्राप्त करूं। तुम नहीं जानते कि राजकुमारी की प्रसन्नता और सुख के लिए मैं अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार हूं। हाँ युवक, तुम उनमें से किसी बात से परिचित नहीं हो, किंतु थोड़ी देर के पश्चात तुमको ज्ञात हो जाएगा कि मैं ठीक कहता था या नहीं। कवि की जुबान रुक गई। उसका स्वर भारी हो गया।
सिलसिला जारी रखते हुए उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या देखा? नहीं, और इसका ना जानना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सोचता था जीवन सुख से व्यतीत होगा, परंतु ये आशा भ्रमित सिद्ध हुई। जिससे मुझे प्रेम है वे अपना हृदय किसी और को भेंट कर चुकी है। जानते हो, अब राजकुमारी को मैं पाकर भी प्रसन्न ना हो सकूंगा, क्योंकि राजकुमारी प्रसन्न ना हो सकेगी। आओ युवक, आगे आओ। तुम्हें मुझसे घृणा हो तो बेशक हुआ करे। आओ, आज मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति तुम्हें सौंपता हूं। राजकवि मौन हो गया, किंतु उसका मौन क्षणिक था। सहसा उसने महाराज से कहा, महाराज, एक विनती है, और वह यह है कि मेरे स्थान पर इस युवक को राजकवि बनाया जाए। राजकवि के कदम लड़खड़ाने लगे। देखते देखते वे पृथ्वी पर आ गया। अंतिम बार पथराई हुई दृष्टि से उसने राजकुमारी की ओर देखा। ये दृष्टि अर्थमयी थी। वे राजकुमारी से कह रहा था, मेरी प्रसन्नता यही है कि तुम प्रसन्न रहो, विदा। इसके पश्चात कवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसी बंद की कि फिर ना खुली। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।